मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास देर शाम को कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्थानीय दुकानदारों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी वाहनों की मदद से स्थानीय लोगों के द्वारा मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने इंद्रेश हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे और वो मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों को जमकर मारपीट करते हुए फरार हो गए और उनके साथ करीब 20-25 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर शाम कुछ लोग गाड़ियों से मसूरी देहरादून की ओर आ रहे थे, जो नशे की हालत में थे और जिसके साथ कुछ महिलाएं भी थीं। पानी वाले बैंड के निकट मैगी पॉइंट के पास उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और वहां मौजूद ग्राहकों के साथ बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडा और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो चुके हैं। इस संबंध में पीड़ितों के द्वारा कोतवाली मसूरी में लिखित तहरीर दे दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। 6 लोग आए, जिनमें मेन थे रवि ग्रोवर जी। वो आए नशे में, वो धुत थे, उन्होंने वहाँ शराब पी। बाहर खड़े होकर हमने उन्हें समझाया कि आप बहुत नशे में, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आस पड़ोस में कलेश करा, गाली गलौज करा। उनके साथ जो महिला मित्र थी, उन्होंने भी बहुत चीखा चिल्लाई करी, बहुत गाली गलौज करी। ये सब बोला कि सब मैगी पॉइंटों में आग लगा दिया जाएगा, सब बंद करवा दिया जाएगा। उन्हें समझाया, वो नहीं माने। फिर हमने अपनी दुकानें वगैरह, हमने कैफ़े बंद कर दिए। वो लेकिन वहाँ से नहीं गए। थोड़ी देर बाद वो अपने मित्रों को उन्होंने बुलाया। कम से कम 40-50 लोग आए, कुछ चाकू लेके, कुछ डंडे लेके, कुछ होकिया लेके और बहुत अन्य सामान लेकर आए। और उन्होंने फिर कैफों में घुस के ज़बरदस्ती तोड़ा फोड़ी करी और हमारे साथ वालों के साथ मारपीट। पूरा तो अंदाज़ा नहीं, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, ये शिवसेना से है और बाकी मैं जानता नहीं। इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जख्मी है। अभी वो इंद्रेश में एडमिट है 3 जने, और एक हमारे साथी है, वो अभी डिस्चार्ज करा है उन्हें। अभी हम उन्हें लेकर आए हैं वापसी, और बहुत ज़्यादा जख्मी है, बहुत ज़्यादा जख्म है। एक के सर पर जख्म है, वो तो बेहोश है अभी, और डॉक्टर ने उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। कह रहे कि 24 घंटे के बाद उसमें पता लगेगा कि क्या बोल सकते हैं। जो हमारे साथ के 3 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें अजय रावत जी और विजय रावत जी। विजय रावत जी की परसों शादी है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। डॉक्टर ने उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ा है, देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये घटना हुई है, उस हिसाब से हम स्थानीय सुरक्षित नहीं रह गए हैं इस शहर में, हमारे देहरादून शहर में, हमारे मसूरी में। तो सोचिए कि पर्यटक का क्या हाल होगा अगर ऐसा हादसा हमारे साथ होता रहेगा, तो बाकियों का क्या हाल रहेगा। और यही एक उनसे, सरकार से और पुलिस वालों से विनती है हमारी कि इस पर उक्त से उक्त जल्दी कार्रवाई करे। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।